हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें हमने 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम जो है वो लास्ट वीडियो तक कर चुके हैं। आज हम उसके सेकेंड आगे जो सम है वो करेंगे। तो स्टूडेंट, सेकेंड सम है हमारे पास, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू दिस 2,14। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। कहता है कि ऐसे जे ये जो पॉइंट है ये पास करने वाले कोई दो लाइन्स आप बताओ, है ना। तो हमें पता ही है कि अगर दो पॉइंट गिवन हो, एक्स पहला होता है दूसरा वाई, तो हम कोई भी जो लाइंस हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो हैं वो आ सकते हैं, है ना। एज वी नो दैट थ्रू ए पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, है ना, कितनी लाइंस निकाल सकते हैं। सो आउट ऑफ दीज एनी टू लाइंस विच ऑफ सेटिस्फाई बाय दीज पॉइंट्स एज फॉलो। कोई भी आप दो जो पॉइंट्स हैं वो ये वाले यूज करके कोई दो लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लो आपने दो लिख लिए ना, पहले x प्लस वाई दूसरी x माइनस वाई। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि सामने इनके कौन सा नंबर लिखे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी पॉइंट है पहले x का है दूसरा y का, इट मीन्स x 2 और y 14 यहाँ प्लस हो रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करके कितना आया यहाँ पे 16, है ना। यहाँ देखो करके देखो, 2 + 14 = 16। तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, क्लियर। ऐसे ही जब नेक्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाई x माइनस वाई, तो उसमें इट मीन्स 2 में से माइनस 14 करेंगे हम, तो कितना आया माइनस का 12, है ना, माइनस 12 आ रहा है ना। यहाँ पे देखो, क्लियर। तो यहाँ पे फिर x माइनस वाई किसके आ गया इक्वल माइनस 12। तो ये हो गई हमारी टू इक्वेशंस, क्लियर। नाउ स्टूडेंट, थर्ड सम है, इफ द पॉइंट्स 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कहता है अगर हम इस पॉइंट को इस ग्राफ वाली इक्वेशन में फिल करें तो आप उसकी वैल्यू जो है a की वो फाइंड करो, है ना। तो क्या करेंगे, हमें पता ही है जो पॉइंट होता है सबसे पहले वाला x होता है दूसरा y, यहाँ पे पुट कर लेंगे x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 4। तो यहाँ पे पुट कर दिया 3 इधर 4, ठीक है, 3 × 4 = 12 3a + 7। यहाँ पे हमने सॉल्व द इक्वेशन बन गई। तो सॉल्व द इक्वेशन में वेरिएबल जो होता है उसको एक साइड पे रखते हैं और दूसरे जो भी नंबर हैं उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हमने 3a इधर ही मान लो रखा और 7 को दूसरी तरफ ले गए, 12 के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कितना आ गया 5। यहाँ पे हमें पता है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए जो भी इसके साथ है उसको दूसरी तरफ भेज देना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 3, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 5/3 आ गया a की वैल्यू। तो स्टूडेंट, ये थे एक्सरसाइज 4.3 के इम्पॉर्टेंट सम। फर्स्ट थ्री पार्ट जो हैं उसमें से ही आपको एग्ज़ाम में कोई ना कोई सम जरूर आता है। यही तीन जो हैं इम्पॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। ये फर्स्ट ग्राफ वाला जो है आपको इसके लास्ट वीडियो में करवाया गया है, आप वहाँ पे जाके इसको समझ सकते हो। ये फर्स्ट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है ज़रूर, ठीक है। तो फर्स्ट थ्री इसके पार्ट्स जो हैं हमने अच्छे से करने हैं।